दुनिया में 200 से भी अधिक देश हैं और इन देशों के बीच सीमाएं इसे एक दूसरे से अलग बनाती हैं। कई देशों के बीच बनी सीमा तो इतनी खतरनाक होती है कि इन पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां की सीमा पर न कोई फौज दिखाई देती है न ही कुछ सुरक्षा का इंतजाम है। बावजूद इसके इन देशों में बहुत ही शांति और सुकून के साथ लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो वाकई अजीब हैं और पर्यटकों के लिए आकर्षक भी हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। बर्लिन-नासाउ बॉर्डर। नेदरलैंड्स और बेल्जियम का यह बॉर्डर दुनिया का सबसे अजीब बॉर्डर है जो बर्लिन शहर में स्थित है। शहर की सड़कों पर यह सीमा साफ दिखाई देती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह बॉर्डर एक मकान से होकर गुजरती है जिसका आधा हिस्सा बेल्जियम में बसता है और आधा नेदरलैंड्स में। एक दरवाजा होने के बाद भी घर में दो डोरबेल्स लगे हैं। मजे की बात तो यह है कि एक गलत घंटी बजाने पर आप दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। इसे सिर्फ संकेतिक अक्षरों से समझा जा सकता है कि यहाँ दो देशों की सीमाएं हैं। बॉर्डर बिटवीन अमेरिका एंड मेक्सिको। अमेरिका के एरिजोना और मेक्सिको के सोनोरा शहर के बीच मौजूद इस बॉर्डर को दुनिया का सबसे सुरक्षित बॉर्डर माना जाता है। दरअसल दोनों देशों के बीच आज तक सीमा को लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया। इतना ही नहीं, इस बॉर्डर पर दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता भी देखी जाती है। यही कारण है कि हर साल इस बॉर्डर पर वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया जाता है जिसमें दोनों देशों के लोग हिस्सा लेते हैं। ये शायद दो अलग अलग देशों द्वारा खेला गया एकमात्र खेल होगा जहां दोनों टीमें अपने अपने देश के मैदान पर खेल सकते हैं। डर्बी लाइन बॉर्डर। ये बॉर्डर अमेरिका और कनाडा के बीच पड़ता है जो पूरे शहर से होकर गुजरता है। आपको आश्चर्य होगा कि ये बॉर्डर बिल्डिंग और घरों के अंदर से होकर भी जाता है। मजे की बात यह है कि यहाँ कई लोग अपना खाना अमेरिका से मंगवाते हैं और कनाडा में खाते हैं। यहाँ एक थिएटर दोनों बॉर्डर्स के बीच में ही बना हुआ है। इस थिएटर में अगर आप स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कनाडा में हैं, और दूसरी तरफ अगर आप कुर्सी पर बैठकर परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अमेरिका में हैं। इगुआजू फॉल्स। इगुआजू नदी से लगभग 2 मील दूरी पर फैला यह वाटरफॉल दुनिया की सबसे बड़ी झरना प्रणाली है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इगुआजू नदी पर बना यह झरना ब्राजील और अर्जेंटीना का बॉर्डर है। यह वाटरफॉल नदी को ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है। नदी का ज्यादा हिस्सा ब्राजील में है, वहीं अधिकांश झरने अर्जेंटीना की तरफ हैं। यह वाटरफॉल अलग अलग द्वीपों से अलग अलग झरनों में विभाजित होता है। काफी खूबसूरत यह झील पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। पोर्चुगल स्पेन बॉर्डर। पोर्चुगल और स्पेन के बीच बना यह दुनिया का इकलौता ऐसा बॉर्डर है जहां आप जिपलाइन के जरिए एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। दोनों देशों के बीच इस बॉर्डर की लंबाई 1214 किलोमीटर है और ये दुनिया की सबसे पुरानी सीमाओं में से एक है। रोमांच पसंद लोग यहाँ जिपलाइन के माध्यम से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा बॉर्डर सबसे अजीब लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।